इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बीजेपी के नेता देवेंद्र प्रमुख जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के संजय गुप्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवेंद्र जी, क्या लगता है, यूपी सरकार पूरी तरह से तैयार है, फैसला किसी के भी पक्ष में हो? हालांकि सरकार बार बार कह रही है, लेकिन साक्षी महाराज जो है वो बयान दे रहे हैं कि 6 दिसंबर से तो हम निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। देखिए श्वेता जी, मैं सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई दूंगा कि ये बड़ा उन्होंने बहुत अच्छा एक डिसीजन होने जा रहा है, क्योंकि जो समय था उस तय समय के अनुसार ये सुनवाई पूरी की गई है जी। और वो सुनवाई के लिए दोनों पक्ष बधाई के पात्र हैं, उसमें दोनों पक्षों ने अपने अपना रखा अपने अपने तरीके से, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनने का काम किया, ये सबसे अच्छी बात है। और जो कमेटी थी वो बधाई की पात्र है, क्योंकि उनने भी बीच में जजेस जितने हमारे थे बीच में सुनने वाले, कोई छुट्टी ना करके, कोई अपना एक्स्ट्रा टाइम इधर उधर ना खर्च करके इसको गंभीरता से लिया है। और रही सरकार की बात, सरकार तो प्रतिबद्ध है इस पर चीज़ के लिए कि हमेशा से ही जो भी अच्छा डिसीजन, लोकतांत्रिक डिसीजन, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा तो उसे तो लागू कराना ही है निश्चित, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, इसमें कोई। लेकिन एक तरफ आप ही के लीडर कह रहे हैं, साक्षी महाराज कह रहे हैं, राजनीति में इसलिए ही मैं आया हूं कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 6 दिसंबर से कार्य शुरू कर देंगे। श्वेता जी मैं बता देता हूँ, उनका मैंने सुना था उनका बयान पीछे, मैं अभी इंडिया न्यूज पे था उस समय मैंने सुना, उनका बाइट आई थी बहुत अच्छे से, उन्होंने बाइट पे चैनल्स पे बात की है, उन्होंने भी किया था और कटियार जी ने भी बाइट किया था, उसमें साथ में हम जब डिबेट में थे तो दोनों, कटियार जी का जब बयान आया था उसमें मुझे सफाई देने के लिए कहा था, उनका स्वयं बयान आया था, उन्होंने ये बात बिल्कुल कही थी कि आस्था सबकी है, लेकिन जो अंतिम जो निर्णय होगा, जो मान्य निर्णय होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का होगा। और यही कहना था, उन्होंने बताया था महाराज जी ने, जो बताया साक्षी महाराज जी ने जी। उन्होंने कहा था कि मेरी बहुत बड़ी आस्था है और मैं राजनीति में आया भी हूँ तो मेरा जब से ये ध्येय भी है, और मैं उन्होंने थोड़ा सा जिक्र और भी बधाई भी दी थी, मुस्लिम पक्ष को भी बधाई थी, क्योंकि एक पक्ष जो है वो चाहता है कि हम जो मंदिर के फेवर में है, और उन्होंने वहाँ उसमें उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड को कहा है सर कि वो हमारे साथ है। हाँ, वो साथ में है, लेकिन उनका सुन्नी वक्फ बोर्ड है वो मध्यस्थता पैनल को वो हलफनामा देता है कि हम अपना केस वापस ले रहे हैं, आखिरी दिन है, ऐसे में इंटरफेरेंस भी नहीं हो सकती, तो क्या जरूरत है, ये तो ड्रामा है। मैं इसमें एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, सामाजिक समन्वय की बात करते हैं, और आपस की बात करते हैं, आपस के प्यार की बात करते हैं, तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी बात निकल के बधाई की बात है। बेशक कोर्ट के माध्यम से डिसीजन आए, और अभी कोर्ट क्या डिसीजन देगा ये भी तय नहीं है, ये क्लियर होने के पता, उससे पहले ही अगर कोई आदमी उसमें सहमति तो हम उसका स्वागत करते हैं, और हमारी पार्टी भी स्वागत कर रही है, और माननीय जो हमारे महाराज जी हैं वो साक्षी महाराज, उन्होंने भी उनका स्वागत किया है, इस बात के लिए उन्हें बधाई दी है, अच्छी बात है उनकी तरफ से। लेकिन उन्हें अच्छा तो कोर्ट का फैसला पहले से पता है ना सर? नहीं, ये ऐसा नहीं है, देखिए कभी कभार जो है मैं तो खुद कह रहा हूँ कि उनके कोई बाइट आपके पास होगी, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, वक्त ऐसा है, इस मोमेंट को समझना चाहिए, आखिरी दौर में सुनवाई चल रही है, आज आखिरी दिन है, 4 हफ्ते का वक्त कोर्ट को चाहिए फैसला लिखने के लिए, इतनी अच्छी तरीके से संविधान पीठ जो है सुनवाई कर रहा है सर, डे टू डे हियरिंग हो रही है, उसके बावजूद जो टॉप के लीडर है बीजेपी के वो इस तरह से हरकतें करते हैं कि उन्हें पहले से कोर्ट का फैसला पता है, हिंदू पक्ष में ही फैसला आएगा। संजय गुप्ता जी क्या कहना है, कैसे लेंगे इस बयान को आप? देखिए मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर कुछ लोग अपने आप को देश के संविधान से, न्याय प्रक्रिया से और तमाम चीज़ों से ऊपर मानना चाहते हैं, और मैं उससे बढ़ के कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर देखिए हमें समझना पड़ेगा कि विश्व का सबसे बेहतरीन लोकतंत्र, सबसे बेहतरीन संविधान हमारे पास है, और सबसे बेहतरीन न्याय प्रक्रिया हमारे पास है, और उस न्याय प्रक्रिया के अंदर इतना अच्छा कार्य लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, और मैं समझता हूँ इसके अंदर जो जल्दबाजी कि दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक सरकार है और फास्ट ट्रैक नेता है और फास्ट ट्रैक इनकी जबान है, मैं समझता हूँ कि अगर और ये 15-20 दिन अपनी जबान पे कंट्रोल रख लें, और तो उससे मैं समझता हूँ एक सौहार्द बना रहेगा एक समाज के अंदर, जो एक बड़ी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी केवल बीजेपी के खाते में तो नहीं आती, हालांकि साक्षी महाराज ने इस तरह का बयान दिया है, लेकिन आप अगर कांग्रेस के लीडर्स के बयान भी देखें तो एक से एक बढ़ चढ़कर जो बयान आते हैं सामने में, और 70 साल से अगर देख ले ये मामला जो है जिस तरह से अटका पड़ा है, तो 70 साल में सबसे ज्यादा कौन राज कर चुका है देश पर, ये बताइए सर। श्वेता जी आप जो बात उठाना चाहती हैं, हालांकि
विषय तो ये पक्ष का था, मगर नहीं सर, सवाल आज दोनों पक्षों से इसलिए होंगे बीजेपी और कांग्रेस से, क्योंकि राजनीति ने एंट्री मारी है, तब से ये विवाद जो है ना, लोग जो नहीं चाहते हैं, डिप्टी सीएम यूपी के कह रहे हैं कुछ लोग नहीं चाहते थे कि इसका हल निकले, तो ये कुछ लोग कौन है जरा यही आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि विपक्ष, ये जो बीजेपी है वो लंबी जुबान रखती है, वो ऐसे कहती है, तो सबसे ज्यादा तो देश पर आपने राज किया सर, तो क्यों नहीं फैसला आ गया, क्यों नहीं आपसी सौहार्द बनाया, क्यों नहीं एक नतीजे पर पहुंचे? अब मैं बोलूं? जी ठीक है, मुझे मैं उम्मीद करूंगा आप मुझे सुनेंगे। जी देखिए, मैं आपको बताता हूं कि किसी भी देश के मैं संविधान की बात कर रहा था, और इस संविधान के अंदर ये हक नहीं मिला कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इस देश के अंदर खड़े होके किसी एक धर्म के पक्ष में या मंदिर या मस्जिद या किसी धार्मिक स्थल को बनाने के लिए कार्य करेगी। ये पूरे कहीं संविधान में चर्चा नहीं है, किसी को अधिकार मिला नहीं है। हम इस संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हम कसम खाते हैं और हम ये फला चीज़ करेंगे, और इसीलिए ये हमारा एजेंडे में नहीं है, हमने इस पर चर्चा नहीं की। कानून अपना काम कर रहा है, कोर्ट्स अपने ही काम कर रहे हैं, कभी हमने उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करी। मगर दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, इसके अलावा जो आपने कहा कि आप बीजेपी को कह रहे हैं, क्यों कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर एक राजनीतिक पार्टी है जो कसम राम की खाती है और मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये कसम खाए हुए कितने समय हो गया, 30 साल, और आप हमसे पूछ रहे हैं। मैं जवाब देना चाहता हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, बजरंग दल के लोगों से, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से, कि आप बताइए, आपने 30 साल पहले कसम खाई थी, आपने एक अध्यादेश इस हमारे संसद के अंदर आप लेकर के आए क्या? आपने, आपकी पहले भी 6 साल सरकार रही, 13 साल आपकी इस देश में सरकार रही है, उस 13 साल में से आपने एक बार भी संजीदा प्रयास किया? धारा 370 का आप लेकर के आए हैं, मगर राम मंदिर के ऊपर कभी आप लाए क्या? उस पर भी तो सर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उस पर भी सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आपने, मैडम नहीं, संजय गुप्ता जी मैं अपनी बात तो रख लूं, फिर आप उसके बाद कह दीजिएगा। तो आपने तो सवाल पूछा ना, बीजेपी से ही सवाल है आपका, आप मेरी सुन तो लीजिए बात, मैंने सवाल नहीं, मैं स्थिति बता रहा हूँ जी। और अब जब ये इतना संजीदा समय है, इनके शब्दों से, इनके भाषण से, मैं विनय कटियार जी को सुन रहा था अभी दूसरे चैनल पे, वो कह रहे थे कुछ भी हो जाए बनेगा तो राम मंदिर ही। अरे भैया, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, आप नहीं करेंगे। और दूसरी बात है, जब कोर्ट डिसाइड करेगा और पूरा देश इसको मानेगा, आप इतनी जल्दबाजी क्यों करना चाहते हैं? और आपके शब्दों से यहाँ पर माहौल बिगड़ सकता है, यहाँ पे धार्मिक जो और प्यार आपस में भाईचारा है वो सौहार्द बिगड़ सकता है। आप इस बात की आपको चिंता नहीं है, आप उसका श्रेय लेना चाहते हैं, आप स्वयंभू प्रो इसके अंदर सेल्फ क्लेम्ड अपने आप के अंदर एक अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि सारे हिंदुत्व का ठेका सिर्फ हमने ले रखा है। अरे भैया, इस देश के अंदर किसी ने ठेका नहीं ले रखा, और किस विषय पे तो आपने कोई संजय गुप्ता जी है। पहले तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, एक तरफ तो हिंदुत्व का एजेंडा जो है बीजेपी चलाती है, ये कांग्रेस कहती आई है, अब आप यहाँ बैठे कह रहे हैं कि हिंदुत्व का ठेका आपने ले रखा है। हालांकि आपका एक सवाल सही है देवेंद्र जी से, एक सवाल सही है, नहीं संजय गुप्ता जी क्लियर हो जाइए, क्लियर हो जाइए। आपने कहा कि हिंदुत्व का ठेका ये ले रखे हैं, ऐसा दिखाना चाहते हैं, तो आप तो खुद कहते हैं ना सर, कांग्रेस तो खुद कहती आई है कि हिंदुत्व जो है इनका ट्रंप कार्ड है, ये हमेशा हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं। लेकिन एक सवाल आपका सही है देवेंद्र जी से, कि आपसी सौहार्द बना रहे, जो पार्टी इस वक्त सत्ता पक्ष में बैठी है और जो सरकार चला रही है, उसका ये दायित्व बनता है कि आपसी सौहार्द बना रहे, लेकिन साक्षी महाराज पर कोई लगाम बीजेपी की तरफ से नहीं लगाई जाती है, ये सवाल तो बनता है देवेंद्र जी, क्यों विनय कटियार, साक्षी महाराज इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं? स्वाति जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात, जो सौहार्द की बात है वो उसे मानने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। उस पर हमने फिर भी कहा, आपको पहले कहा कि हम वचनबद्ध हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती, हमारी सरकार इस ठीक है लेके हमारी सेंटर से और उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार जो उस पर नज़र रखे हुए है, जो भी डिसीजन होगा वो मान्य होगा। और रही बात अगर नेताओं की बात करने की बात है, अगर कोई किसी का अपना बयान आता है, पार्टी से अलग हटकर व्यक्तिगत बयान आता है, तो उसका जवाब वो देंगे, ना कि पार्टी देगी। और रही व्यक्तिगत बयान की बात, तो अपने गिरबा में कांग्रेस प्रवक्ता झांक लें कई बार, कि इनके जो हैं अय्यर से लेकर दिग्विजय सिंह क्या क्या बयान देते हैं, कितने निष्कासन करते हैं अपने लोगों को, क्या क्या इन्होंने 70 साल में बार 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 आप जगह आप बार 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 विनय कटियार को आप बार बार उछाल रहे हैं, साक्षी महाराज को निकाला आप, हमने तो हमने सवाल किया ना आपसे, आप करते निकाला, हमने
70 साल हो गए ना आपको बैठे, दिग्विजय सिंह क्यों धर रखा सिर्फ? नहीं नहीं आप मुझे एक बात बताइए, सर ये तो संजय जी भी कह सकते हैं कि वो ये दिग्विजय सिंह का अपना व्यक्तिगत बयान है, ये व्यक्तिगत बयान जो चलता है ना सर, ये लोगों को कंफ्यूज करने के लिए चलता है। आप पार्टी के इतने पुराने इतने दिग्गज लीडर हैं, और अब एक छोटे से ब्रेक के लिए चक्रपाणी जी कुछ कह रहे हैं, लगता है हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त चक्रपाणी जी जुड़ चुके हैं। चक्रपाणी जी जानना चाहूंगी, आज जिस तरह से आखिरी दिन है और आज लग रहा है कि आज दलीलें पूरी हो जाएंगी और अब फैसले की घड़ी नजदीक है, ऐसे में क्या हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए? साक्षी महाराज जैसा बयान दे रहे हैं कि 6 दिसंबर से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, क्या थोड़े देर के लिए सही जबान पर लगाम नहीं लगानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल लगानी चाहिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल आप देखो राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आना है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सुनवाई अच्छी तरीके से कराई है, और लेकिन अंत में जिस प्रकार से धवन साहब ने हिंदू महासभा के नक्शा को फाड़ा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमने निर्णय लिया है कि उनके कोर्ट की अवमानना का भी केस करेंगे। और आप देखो कि 1810 का नक्शा हम लोगों ने दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो हताशा और निराशा से जिस प्रकार से फाड़ा, और उससे किसी प्रकार का तर्क उनके पास नहीं था क्योंकि वो इंग्लैंड की लाइब्रेरी से निकलवाई गई वो नक्शा था, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और बाकी पॉलिटिकल लोग तो बयान देते रहते हैं, आप देखो कि जिस प्रकार से सदियों से जिसका राजनीतिकरण इतना हुआ और राम मंदिर पे लोगों ने किया सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया और दरंगा प्रदर्शन हुआ, आज जब उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट पटाक्षेप करने जा रहा है तो उसमें इस प्रकार से व्यवधान डालना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत शर्मनाक है। तो बिल्कुल ये बड़ा गलत बात है, और जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों को तो बयान देने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, उन्होंने राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट जब राम मंदिर के लिए करने के लिए और पक्षकार करने के जब आगे बढ़े तो उसमें इस तरह की चीजें जहर का काम करती है, इसमें कहीं ना कहीं सद्भावना को बिगाड़ने का काम करती है, इंतजार करना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करें, निश्चित रूप से अपने पक्ष में आएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चक्रपाणी महाराज, हिंदू महासभा के अध्यक्ष। और सवाल इससे देवेंद्र जी से पूछूंगी, ये सवाल जरूर उठता है कि आखिरकार कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा धीरज रखने की जरूरत है, क्योंकि मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, और हिंदू महासभा के वकील राजीव धवन, हिंदू महासभा के वकील जो हैं उन्होंने नक्शा दिया था जिसे राजीव धवन ने फाड़ा है, जिसको लेकर आज हाई वोल्टेज ड्रामा कोर्ट में हुआ था, और सीजेआई काफी नाराज हुए थे, उन्होंने कहा था कि अगर ऐसे सुनवाई चलेगी तो हम उठ जाएंगे। नाराजगी सीजेआई ने यहां पर दिखाई थी और नक्शा फाड़ने को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लिया जा सकता था, लेकिन समझिए कि आज आखिरी दिन है और सीजेआई भी नहीं चाहते, संविधान पीठ जो बैठी हुई है वो नहीं चाहती है कि कहीं भी ध्यान जो है वो भटके, इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं मानते हुए सुनवाई जो है आगे जारी रखी गई। फिलहाल जो है लंच ब्रेक हुआ है, लेकिन उसके बाद हिंदू पक्ष जो है अपनी दलीलें पेश करेगा, आखिरी में 1 घंटे का वक्त जो है वो मुस्लिम पक्षकारों को मिलेगा, 1 घंटे में उन्हें अपनी दलीलें देनी होंगी। और आज पहले 18 अक्टूबर याद होगा कि डेडलाइन फिक्स की सीजेआई ने कि 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी की जाए, फिर 17 अक्टूबर और आज के दिन आखिरी सुनवाई, आखिरी दलीलें तय पक्षकारों की तरफ से जो है आज जो है दलीलें पूरी कर ली जाएंगी। तो अयोध्या मामले में आज अहम और आज आखिरी दिन है सुनवाई का, शाम 5 बजे ये कहना है सीजेआई का। काफी सख्त यहां रुख अख्तियार किया है सीजेआई ने, जिस तरह से मामला जो है 70 साल से लटका हुआ है, और कह सकते हैं कि जो रुख रहा है सुप्रीम कोर्ट का वो पारदर्शी रहा है और इस तरीके से रहा है कि फैसला इस मसले पर सुनाया ही जाए, कोई टाल मटोल अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये सीजेआई ने साफ कर दिया है कि आज शाम 5 बजे आखिरी जो दलीलें हैं वो पेश कर दी जाएंगी, क्योंकि 4 हफ्ते का कम से कम वक्त लगेगा, ऐतिहासिक फैसला है, इसे लिखने में काफी उदाहरणें पेश करनी पड़ती हैं, काफी कहानियां किद्वंतियां सभी चीजों का जिक्र होता है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा। आज हमारे साथ तमाम गेस्ट पैनल जुड़े हुए हैं, बीजेपी से देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस से संजय गुप्ता और हिंदू धर्म गुरु आचार्य वेदमूर्ति भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले आचार्य जी आपसे ही जानना चाहूंगी कि आज आखिरी दिन है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रुख अख्तियार किया है, आज भी बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ और कहीं ना कहीं टालने की कोशिश की गई,
राजीव धवन ने नक्शा फाड़ा, दूसरी तरफ हम देखें तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ऐसे मोड़ पर वो वापस लेना चाहते हैं कि हम केस वापस लेना चाहते हैं। मध्यस्थता पैनल की तरफ से हलफनामा दायर किया गया और सीजीआई ने साफ कह दिया कि आखिरी मोमेंट पे इस तरह की अर्जी हम इसे एंटरटेन ही नहीं करेंगे। क्या लगता है, अब करीब है फैसले की घड़ी तो ये ड्रामा हो रहा है, या कुछ लोग चाहते नहीं थे कि फैसला आए इसलिए ये खलबली मची है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, अंत भला तो सब भला। अब सारे देश में हमारे जितने भी तमाम लोग हैं, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी हमारे देशवासी हैं, सबसे करवर्ध प्रार्थना यही है कि आज सुनवाई का अंत दिन है। और देखिए, जो राजीव धवन ने जो आज कुकृत्य किया है वो बड़ा ही निंदनीय है, इसकी घोर निंदा मैं करता हूँ। और उसका नाम है राजीव धवन, धिक्कार है ऐसे नाम के ऊपर। भगवान श्री राम का नाम राजीव था, और ऐसे यथा नाम ततः तथा गुणः, जैसा नाम होना चाहिए ऐसा गुण विद्यमान होना चाहिए। उसने जो घिनौना कृत्य किया है वह बड़ा ही निंदनीय है, उसके नाम के ऊपर धिक्कार है हमारे। दूसरी बात, जो भगवान श्री राम, इनका अस्तित्व भगवान श्री राम का आज से नहीं अनंत काल और लाखों वर्ष प्राचीन इतिहास है भगवान श्री राम का। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण ना हो तो किसका हो? आज जितने भी हिंदू समाज हैं, चाहे मुस्लिम समाज हैं, सबके पूर्वज और सबके जड़ भगवान श्री राम हैं, दूसरा कोई नहीं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बाबर का अस्तित्व कब आया अयोध्या में? बाबर का अस्तित्व से कहीं हजारों लाखों वर्ष पूर्व हमारा भगवान श्री राम का अस्तित्व है। और अयोध्या भगवान श्री राम ही नहीं, राजा मनु का बनाया हुआ, उस समय से लेकर के वह मुख्य जन्म स्थान है। और उस जन्म स्थान में हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा होता है, और जिस जगह पे प्राण प्रतिष्ठित हो जाए, जो जन्म स्थान हो, वहीं पे भगवान श्री राम विद्यमान होते हैं। इसमें मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि इस समय भाईचारे को बनाने के लिए और हिंदुओं के हृदय में जगह बनाने के लिए वह आगे आए और सहर्ष पूर्वक। लेकिन आचार्य वेदमूर्ति जी, यहाँ रोकना इसलिए चाहूंगी कि इस समय क्यों चाहिए? होना तो बहुत पहले चाहिए था कि आपसी सौहार्द से फैसला लिया जाना चाहिए था, क्योंकि ये तो सर एक कॉमन मैन से भी अगर पूछेंगे तो उसे समझ में आएगा कि अगर जन्म यहाँ हुआ है, जन्म स्थान यहाँ है, तो आप इसे नहीं बदल सकते, मस्जिद कहीं और बनाई जा सकती है। लेकिन ये जो विवाद है, कहीं ना कहीं राजनीति इसमें एंट्री मारती है, उसके बाद से ये विवाद जो है वो लंबा खींचता चला जाता है। मैं आपको सत्यता बता दूं, यह सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, हम आप सोच रहे हैं कि यह दो चार दिनों में आ जाएगा, तो ये कम से कम अभी महीना दिन समय लगेगा, चार हफ्ते लगेंगे सर। और इसकी सत्यता ये भी मैं बता दूं कि हमेशा जैसे पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सभी समय में गोल मटोल आदेश रहा है, और आगे भी आपको मैं आज बता देता हूं कि इसमें गोल मटोल ही आदेश आएगा, जो कि यह हिंदुओं को मान्य नहीं होगा। इसलिए इसमें मध्यस्थता बहुत जरूरी है, और इसमें हमारे देश को मुसलमानों का आना बहुत जरूरी है। वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूर्व, एक सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूर्व हमारे देश के मुसलमान हिंदुओं के हृदय में जगह बनाने के लिए वह जो है आगे आकर के और कहे कि वहां भव्य श्री राम मंदिर बने। देखिए, मैं हिंदुओं की उदारता आपको बताता हूं, हमने मध्यस्थता करने की कोशिश तो की, और आपके इस बात पर भी मुझे आपत्ति है। दो पॉइंट जो आपने बोले, एक तो राजीव धवन के नाम के ऊपर कहा, तो सर यहाँ पे बता दूं कि गीता में कहा गया है कि कर्म सर्वोपरि है, और शायद उनका कर्म है क्योंकि वो मुस्लिम पक्षकार के वकील हैं, तो शायद आज आखिरी दिन है, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर रहा। हालांकि कहीं से भी नक्शा को फाड़ना जायज नहीं कहा जा सकता, लेकिन कर्म है सर, आप उनके नाम पर धिक्कार की बात कर रहे हैं तो मुझे आपत्ति है। दूसरी बात, माँ फलेसु जी, बिल्कुल बिल्कुल, कर्म, लेकिन कर्म कैसा हो? प्रधानता होनी चाहिए। एक सेकंड, अगर वो मुस्लिम पक्षकार के वकील हैं तो वो डिफेंड करेंगे, लेकिन फाड़ा नक्शा वो गलत किया, वो मैं भी मानती हूँ, लेकिन आप उनके नाम पर धिक्कार कह रहे हैं। दूसरी बात सुन लीजिए आचार्य जी, दूसरी बात सुन लीजिए, आप जो कह रहे हैं कि मुस्लिम बहन भाइयों को सामने आना चाहिए था, उन्हें जो है ये हिंदुओं के दिल में जगह बनानी चाहिए थी कि वो आगे आकर बढ़कर उन्होंने सौहार्द निभाते हुए ये जगह छोड़ दी और
दी गई अयोध्या में मंदिर बने इसलिए, लेकिन यहाँ राजनीति हुई तभी तो हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया गया, तभी तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। और आप कैसे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट धर्मटोल फैसला ले सकता है? मैं आपसे आपको बताता हूं कि बाबर से पूर्व अयोध्या में कितने मस्जिद हुआ करते थे। आज हिंदुओं की उदारता देखिए कि उस अयोध्या में आज 60 मस्जिद है, और वह सिर्फ हिंदू यही चाहता है कि जो दुर्दांत आतंकवादी था बड़ी खबर बाहर से बाबर आया था। बड़ी खबर संवेदनशीलता को देखते हुए अयोध्या में जो है हलचल तेज हुई है, और इसे देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। सुरक्षा में 200 कंपनियां जो है वो अतिरिक्त बुलाई गई है। पहले से ही अयोध्या में पीएसी की 47 कंपनियां जो है वो तैनात है। अब 200 अतिरिक्त फोर्स जो है वो बुलाई गई है। अयोध्या में धारा 144 पहले से लागू है, लेकिन अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज आखिरी दिन है, दलीलें जो हैं आज पेश होंगी, लेकिन 4 हफ्ते का वक्त लगेगा सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेने में, सुनाने में। और अभी जिस तरह से अयोध्या में धीरे धीरे गतिविधियां जो है तेज होती जा रही हैं, यूपी की सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और हर एक स्टेप्स पे कह सकते हैं कि नजर बनाए हुए। 144 धारे लागू थी और अब अतिरिक्त पुलिस फोर्स जो है बल जो है वो बुलाया गया है। हाँ आचार्य जी, आप जो कह रहे थे कि फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का पहले भी इस तरह का कोई भी ऐतिहासिक जब फैसला रहा है तो गोल मटोल रहा है, अभी भी यही उम्मीद आप कर रहे हैं कि कुछ फैसला ऐसा होगा जो क्लियर नहीं होगा, क्यों ये अंदेशा? क्यों 100% मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में आज भी लोगों को सेकुलरतापन का जो कीड़ा काटा हुआ है और आगे भी काटेगा, ये सत्यता है। सेकुलर होना बुरी बात है? नहीं, बुरी बात नहीं है। लेकिन भगवान का जब आ जाए, देखिए उनके लिए मक्का मदीना है, उनके लिए जेरूसलम है, उसी प्रकार हमारे लिए भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। अयोध्या कोई साधारण नहीं है। तो जहां भगवान जुड़ जाए को पूरा विश्व पूजा करता है, जहां आस्था जुड़ जाए तो हम आंखें बंद कर ले? नहीं, ये क्या है? आप देखिए हिंदू कितने उदार हैं, किस धारा में ले जा रहे हैं लोगों को। नहीं, माफ कीजिएगा वेदमूर्ति जी, लेकिन आप लोगों का दायित्व तो बनता है कि एक जो भटके हुए लोग हैं उसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, और आप कह रहे हैं कि आस्था जब आए तो आप अंधे बन जाइए। आप कोई डिसीजन क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, उस आप सुनिए। मैं भी वही कह रही हूं सर, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। आज अयोध्या में आप जाकर के देखें कितने मस्जिद हैं, आज के अगर आपके बाबर से पूर्व में देख ले तो अयोध्या में कितने मस्जिद थे, लेकिन आज पूरे अयोध्या में 60 मस्जिद आज विद्यमान है। आज वहां अजान होता है, आज सब कुछ होता है। ये किसने बनने दिया? ये वहां के हिंदुओं ने बनने दिया, उसकी उदारता ने बनने दिया। ठीक उसी प्रकार हमारे देश और मुस्लिम समाज भी वैसी उदारता को दिखाते हुए, जो राम जन्मभूमि है, जो पूरे हिंदू समाज का जड़ है, वंशज है, उस जगह पे भव्य श्री राम मंदिर ही बनने दे। आप एकता का परिचय दें। ये विचारधारा जो है, ये जो बात है, जिस तरह से आचार वेद मूर्ति जी कह रहे हैं कि उदारता तो चलिए मैं मान लेती हूँ कि मुसलमानों को दिखाना चाहिए और फैसला, लेकिन कोर्ट के फैसले पे भी कह रहे हैं कि फैसला गोल मटोल आ सकता है क्योंकि सेक्युलरिज्म का चश्मा हमने पहन रखा है, तो क्या कहना चाह रहे हैं? लोकतंत्र है, यहां सबको अपनी बात रखने का हक है और हम सेक्युलर हैं, ये अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन कैसे समेटेंगे इस विचारधारा को? देवेंद्र जी, सरकार तो आपकी है, सोचना आपको है। सुवेता जी, ये आचार्य जी का मामला है, उन्होंने अपनी आस्था जाहिर की है, लेकिन सर ऐसे 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 जब स्टेटमेंट आते हैं, सर देखिए एक समाज में एक प्रभाव पड़ता है इसका, जब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो उसका प्रभाव समाज में पड़ता है, और जब सरकार आपकी है तो लोगों की भावनाओं जो सर चढ़कर बोलने लगती है तो कंट्रोल आपको करना है। कैसे करेंगे? आस्था जो है किसी की गुलाम नहीं है, आस्था अपनी अपना अपना अपने मन की है और अपने मन की दिल की है, और आचार्य जी को ने अपनी की बात रखी है, अच्छी बात में स्वागत करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहता हूं कि सरकार अपना काम कर रही है और सरकार अपना काम करेगी। हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट है और फर्स्ट प्रायोरिटी होगी सुप्रीम कोर्ट की बात को रखना, हमारी जिम्मेदारी है।